हेलो, व्हाट इज अप गाइस। तो हम आज कल आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से, और जो आज वाली वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो iOS मतलब कि जो एप्पल के जितने भी डिवाइसेज हैं वहाँ पर एक नया अपडेट आया है 14.2। तो इस अपडेट से क्या होगा कि जितने भी आपके मतलब कि जो भी ऐसे बंदे हैं जो कि बीटा वर्जन में मतलब कि अपने iOS वर्जन को रन करवा रहे थे, उनके लिए एज ए ब्रिज का काम करेगा कि वो मतलब कि बीटा वर्जन से उठ के ग्लोबल वर्जन में शिफ्ट हो सकते हैं। और काफ़ी मेजर अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मतलब कि फिक्स किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यू इंप्रूवमेंट्स भी हैं। मैं एक बार आपको जाके जर्नल में दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो जर्नल में सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर हमारा अभी भी वन दिख रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाता हूँ और एक बार चेक कर लेता है। मैंने कम्प्लीटली डाउनलोड कर रखा है अपडेट को, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो iOS 14.2 इंक्लूड्स आवर 100 न्यू इमोजीज। तो जो मेन मतलब की जो फीचर है वो है कि आपके जो कीबोर्ड सेक्शन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यू इमोजीज ऐड कर दिए गए हैं, और ऐसे वाले इमोजीज नहीं है जो कि मतलब को आपको एंड्रॉयड में देखने को मिल जाते हैं ईजिली। एंड्रॉयड से भी काफ़ी अच्छे अच्छे इमेजेस ऐड किए गए हैं, क्योंकि मैंने मेरे दूसरे डिवाइस में पहले अपडेट कर लिया था, बट मैं आपको पूरा दिखाने के लिए दोबारा से अपडेट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल कर रखा है, मतलब कि अपडेट कर रखा है, अब बस मैं इसको इंस्टॉल करना है, और करने के बाद जो सारे फीचर है वो आपको मैं इंस्टॉल करने के बाद ही लाइन वाइज बता दूंगा क्या क्या आपको न्यू इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं अपडेट को इंस्टॉल पर लगा देता हूँ। सो गाइस, जो हमारा डिवाइस है कम्प्लीटली बूट अप हो चुका है, और सॉरी क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि जो लाइट थी वो चली गई थी। मैं गांव में रहता हूँ तो ऐसा ही चलता रहता है लाइट का, और इन्वर्टर से काम चलता नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। अगर कोई बैकग्राउंड की नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर लेना उसको। अब बात कर लेते हैं उन न्यू फीचर्स की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है कि जब भी आप किसी बंदे को मतलब मैसेज वगैरह करते हो तो जो इमोजीज होंगे ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यू इमोजीज ऐड कर दिए गए हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक मैसेज टाइप करके दिखाऊं, और यहाँ पर हम इमोजी वाले सेक्शन में चले जाते हैं, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा न्यू इमोजीज आ चुके हैं, और वो भी अलग अलग स्टाइल की। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो निंजा के, और जो अभी हैलोवीन चल रहा है उसकी मतलब की थीम से मैच करते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोजीज ऐड कर दिए गए हैं। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मैसेज वगैरह टाइप करने में, या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह पर आप मैसेज सेंड करते हो उनमें। देन उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपके वॉलपेपर्स को लेकर, क्योंकि पहले इसमें आपको है ना बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में वॉलपेपर देखने को मिलते थे, बट अब कुछ न्यू वॉलपेपर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। और ये मैं जैसे SC में करके दिखा रहा हूँ, बट जितने भी नए डिवाइसेज हैं सब में ये वर्क करेगा सेम टू सेम ही। तो आप देख सकते हो कुछ जो नए वॉलपेपर्स आए हैं ये वाले हैं, और मेरे को जो पर्सनली सबसे अच्छे लगे ये वाले वॉलपेपर लगे। ये दोनों ही थीम में अवेलेबल है, आप चाहे डार्क में ले लीजिए चाहे लाइट में ले लीजिए। मैंने जो मेरा डिवाइस उसको डार्क मोड में सेटअप कर रखा है, तो डार्क में कुछ ऐसा देखने को लगता है। मैं जिसको अगर आप सेटअप करके दिखाऊँ तो मैं इसको सेट क्लिक करता हूँ और मैं होम स्क्रीन पे लगा देता हूँ, और देख सकते हो कितना मतलब कि यूनिक वॉलपेपर लग रहा है। अगर इसको लाइट मोड में ही अगर मैं स्विच करके आपको दिखाऊँ एक बार, सो जैसे कि मैंने इसको लाइट अपीयरेंस में मतलब कि सेट कर लिया है, तो अब वॉलपेपर आप देख सकते हो कैसा देखने को लग रहा है, और ये बिल्कुल स्टिल नहीं है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो वॉलपेपर है वो पीछे हिल रहा है, मतलब कि बिल्कुल स्टिल वॉलपेपर नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये हिलेंगे वॉलपेपर जैसे आप फोन को अगर ऐसे ऐसे करते हो तो जायरोस्कोप की मदद से। दोनों ही कंडीशन में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप चाहे डार्क मोड में ले लीजिए या फिर लाइट मोड में, बट मेरे को पर्सनली डार्क में काफ़ी अच्छा लगा है। अब आती है हमारी थर्ड मेन फीचर की, वो है कि अगर आप यहाँ पर जाके जो मेजर वाली एप्लीकेशन है इसमें अगर आप मतलब कि यूज़ करते हो तो आप किसी चीज़ की हाइट भी निकाल सकते हो, बट ये जो आईफोन SE उसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसी डिवाइस में वर्क करेगा जहाँ पर आपको लाइडार सेंसर देखने को मिलता है, और जो लाइडार सेंसर है वो सिर्फ आपको आईफोन 12 प्रो है उसमें देखने को मिलता है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको लाइडार सेंसर देखने को नहीं मिलता, या फिर जो एप्पल का जो आईपैड है वहाँ पर भी आपको लाइडार स्कैनर देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है मतलब कि जो आईफोन 12 प्रो है उसके लिए आपको वहाँ पर पता है आपको जो पीछे का बैक है वहाँ पर आपको मतलब कि एक मेटेलिक रिंग देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप जो अपना चार्जर है उसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जो मैगसेफ नाम से जो चार्जर आता है उनका वायरलेस उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर अभी जो एप्पल के न्यू मतलब कि डिवाइस के साथ उनके जो न्यू फ़ोन कवर्स लॉन्च किए गए हैं, तो वहाँ पर एक लेदर का कवर भी लॉन्च किया गया था जिससे कि आप अपने
फ़ोन को फ्लिप करके बंद कर सकते हो, तो वहाँ पर उसका भी जो अपडेट आ चुका है कि जब अगर कवर भी लगा लोगे तो उसके बाद भी जो मैग सेफ है वो ईजिली वर्क करेगा उसके साथ। सो इस अपडेट के बाद आपके 2 से 2.5 GB के अराउंड मतलब कि जो स्टोरेज है वो कम हो सकती है। तो इस चीज़ में दिक्कत मत लेना कि आपकी स्टोरेज कहाँ चली गई, वो इसी अपडेट में मतलब कि जो स्टोरेज है वो चली गई अपडेट को इंस्टॉल वगैरह करने में ही। बस ये कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट्स थे जो मतलब कि लो एंड डिवाइसेस थे जैसे आईफोन SE वगैरह, और जो ज़्यादातर अपडेट था वो आईफोन 12 के लिए ही था क्योंकि उसके लिए काफ़ी जो कंपेटेबल चीज़ें नहीं थी उनको कंपेटेबल करने का ही जो बग वगैरह थे वो फिक्स किए गए थे। और यहाँ पर कुछ कैमरा में छोटे मोटे बग्स फिक्स किए गए थे, उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं है। सो बस यही थे कुछ न्यू इंप्रूवमेंट्स जो आपको iOS 14.2 के अंदर देखने को मिलते थे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ।